स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और एडवेंचर से भरपूर वीडियो में। तो दोस्तों, जो नज़ारा इस वक्त आपकी नज़रों के सामने है, दिस इज़ नोन एज पाम्बन रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इस ब्रिज को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। दो साइड्स के जो लीव्स हैं, इनको ऊपर आसमान की तरफ खोला जाता है और इसके बाद बीच में से बहुत सारे बोट्स और शिप्स को उस तरफ से इस तरफ और वाइस वर्सा। मेरे इस तरफ जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ इंडियन ओशियन, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। इसका लोकेशन है साउथ इंडिया, तमिलनाडु और इंडियन मेनलैंड से, इंडियन मेनलैंड है उस तरफ और मेरे बिल्कुल पीछे इस तरफ है पाम्बन आइलैंड, और इसी को रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को स्टार्ट करते हैं। ये ब्रिज कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कितना इसका लेंथ है, कितने स्पैन्स में है, कितने पेयर्स हैं, और भी बहुत सारी डिटेल में जानकारी आपको बता। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो भी जानकारी मैं अपने वीडियोस में देता हूं, वो कंप्लीट स्टडी और रिसर्च बेस्ड होती है। मोस्टली डाटा कलेक्ट किया जाता है विकिपीडिया वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और उसका राइट अप भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात है 1870 में जब अंग्रेज़ों का राज हम पे था, तो उस वक्त हुआ यूँ कि अंग्रेज़ चाहते थे, माइंडेड लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनका दिमाग था कि हम लोग श्रीलंका के साथ डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, और समुद्री रास्ता था तो ट्रेड करना इतना आसान था नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रेन और एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए जो डायरेक्ट लिंक करेगा मंडापाम इंडियन मेनलैंड से डायरेक्ट श्रीलंका। मगर उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्नाइज थी नहीं, इसीलिए ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ अगस्त 1911 में। यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन, इस रेलवे ट्रैक की, इस ब्रिज की जिसका नाम है पाम्बन ब्रिज, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई अगस्त 1911 में, और लगभग 4 साल के बाद इसको 24 फरवरी 1914 यानी कि 24 फरवरी 1914 को इसको ओपन कर दिया गया। और तब से यानी कि 1914 से लेकर के आज तक 2022 तक ये ब्रिज वैसा का वैसा ही है। हालांकि इसने बहुत सारे दुख सहे, बहुत बार साइक्लोन यहाँ पे आया, इस रेलवे ट्रैक को डैमेज हुआ, मगर फिर भी रेलवे ट्रैक वैसा का वैसा ही, इंडियन रेलवेज ने इसको मेनटेन करके रखा हुआ है। तो इसी के साथ जो आपको एक और ब्रिज दिख रहा है वो सामने, ये है एडजेसेंट रोड ब्रिज पैरेलल इसी के, इसको बनाया गया 1988। इस ब्रिज का, इस रोड ब्रिज का नाम है अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज। इसकी टोटल लेंथ है 2.345 किलोमीटर्स। इसको इनॉग्रेट किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी ऑन 2 अक्टूबर 1988। इस ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, इस रोड ब्रिज, इसको बनने में लगे 14 ईयर्स, तब जाके ये ब्रिज कंप्लीट हुआ। तो अगर इसके डिज़ाइन की बात करें, इसकी डिज़ाइन की खास बात ये है कि रेलवे ब्रिज के बीच में है एक स्कर्जर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन। यानी कि इस ब्रिज को, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, दो हिस्सों में काटा जा सकता है, और बीच में से बहुत सारी बड़ी बड़ी बोट्स और बड़ी बड़ी शिप्स को एक आर पार गुजारा जा सकता है। और खास बात ये भी है कि आज तक उस ब्रिज को मैनुअली, जैसे वो दो हिस्सों में कट जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, उसको आज भी लीवर्स की मदद से मैनुअली ऑपरेट करते हैं,
क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही मैनुअली की जाती है। इस पुल की लंबाई जो है दैट इज़ 2.06 किलोमीटर, अगर फीट में बात करें तो 6,776 फीट इसकी लंबाई है। और सी लेवल से ये जो सी आपको दिख रहा है, इस सी लेवल से ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो रेल, इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 41 फीट, यानी कि 10 फीट का अपना मकान होता, अपना जो रूम है उसकी लेंथ होती है 10 फीट, तो 41 फीट यानी कि 4 मंजिला घर, यानी कि अगर हम यहाँ से छलांग लगाएंगे तो ये वैसा ही होगा कि 4 फीट मंजिला से नीचे छत से नीचे छलांग लगाना। आई होप कि इस वक्त मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी हूँ क्योंकि नीचे समंदर है, वह मुझे तैरना बिल्कुल आता नहीं है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक लीव की। ये जो बेस्क्यूल ब्रिज है इसका एक लीव, उसका वेट है 457 टन्स और पिलर्स जिन पे ये ब्रिज खड़ा किया हुआ है उनकी काउंटिंग है 143 पेयर्स। तो बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और अभी इंडियन रेलवे से एक और ब्रिज बना रही है इसके अपोजिट साइड वहाँ पर। तो अभी हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं, रामेश्वरम आइलैंड को टच करने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम धाम की यात्रा पर। आपको भी इसके नेक्स्ट ब्लॉग रामेश्वरम धाम के वो भी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए आई बटन पे मिल जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले ये ट्रेन यानी कि 2007 तक ये ट्रेन सिर्फ मीटर गॉज की ट्रेन यानी कि छोटी ट्रेन ही चलती थी। 2007 यानी कि 12 अगस्त 2007 को इसको इंडियन स्टैंडर्ड गॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यानी कि इसका जो गॉज टू गॉज डिफरेंस है दैट इज़ 5 फीट 6 इंच जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है। और यही रेलवे ट्रैक जाता है रामेश्वरम और रामेश्वरम जैसे ये पाम्बन पहुंचेगा तो पाम्बन से इसकी बाइफर्केशन हो जाती है, दो हिस्सों में ये ब्रिज कट जाता है। दो हिस्सों में कटने के बाद एक ट्रैक जो है वो इसका जाता है रामेश्वरम जो कि है 10 किलोमीटर फ्रॉम पाम्बन आइलैंड और दूसरा है धनुषकोड़ी, वो पाम्बन से है नियर अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर्स। तो एक ट्रेजिडी हुई 1964 में, रामेश्वरम साइक्लोन आया जिसमें रेलवे स्टेशन जो था धनुषकोडी में वो टूट गया। तो दोस्तों इसी के साथ अभी हम पहुंच चुके हैं बेस्क्यूल रीजन में जहां से इसी जगह से ये ब्रिज दो हिस्सों में कटता है। देख लीजिए कैसा नज़ारा है। अभी हमने क्रॉस किया है ये जो आप दिख रहा है ये बेस्क्यूल रीजन, यहीं से इस पुल को दो हिस्सों में काटा जा सकता है और फिर बीच में से बहुत सारे शिप्स और छोटी मोटी बोट्स जो है क्रॉस एक साइड से दूसरी। तो मैं बात कर रहा था इसी रेलवे ट्रैक की जो पाम्बन ब्रिज से बाइफरकेट होती है, जाती है रामेश्वरम और दूसरी जाती है धनुषकोडी। तो दोस्तों एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया 1964 में जिसमें एक ट्रेन जो धनुषकोडी जा रही थी उसमें लगभग 150 पीपल, मोस्टली उसमें यात्री थे, श्रद्धालु थे, और समंदर की लहर यानी जिसको स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है जिसकी हाइट थी लगभग 25 फीट यानी कि 2 मंजिला घर प्लस उसमें आप 5 फीट और ऐड कर दो तो उतनी ऊंची लहर, जैसे ट्रेन की अगर हाइट की बात करें तो ये लगभग 10 फीट ही होगी 8-9 या 10 फीट। तो 25 फीट लंबी लहर, ऊंची लहर उठी और ट्रेन को और धनुषकोडी रेलवे स्टेशन को उसने पूरा वॉश आउट कर दिया। और सुबह जब लोगों ने देखा, इंडियन पुलिस ने जब देखा, आर्मी वालों ने जब देखा तो वहाँ पे सिर्फ डेड बॉडी थी। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद 1964 से अभी तक
उस रेलवे स्टेशन को दोबारा नहीं बनाया गया और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे रहना और बसना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों अब हम लगभग पाम्बन आइलैंड को टच करने ही वाले हैं और भी ज़्यादा वीडियोस जो मैं रामेश्वरम में बनाऊंगा उनके वीडियो लिंक्स आपको ऊपर दिए गए बटन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो ब्लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों लगभग हम पहुंच ही गए हैं रामेश्वरम आइलैंड, पाम्बन आइलैंड, और इसी रामेश्वरम आइलैंड में हमारा सबसे बड़ा धाम रामेश्वरम धाम यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।